बिग बॉस के सीजन 17 की कंटेस्टेंट सना रईस खान के खिलाफ क्यों हुई है शिकायत दर्ज। कलर्स का रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 17 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और ये पहले से ही कई वजह से सुर्खियों में है। सलमान खान फिर से एक बार इस शो को होस्ट कर रहे हैं, वहीं फैंस भी बहुत खुश हैं। आपको बता दें कि शो में फिर से कई सारे पॉपुलर टीवी सेलिब्रिटीज ने हिस्सा लिया है। वहीं पर इसमें एक और अनोखा नाम भी सामने आया था जिसका नाम है सना रईस खान। जी हाँ, आपको बता दें सना रईस खान पेशे से क्रिमिनल लॉयर है जो तब चर्चा में आई थी जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया था। सना आर्यन खान के ड्रग्स केस में काम करने वाली वकीलों की टीम में से एक है। खबरों के मुताबिक इस केस में सना ने अवीन साहू को रिप्रेजेंट किया था। वहीं आर्यन के अलावा भी सना ने कई सारे हाई प्रोफाइल केसों में काम किया है जिसमें एक शीना बोरा का नाम भी था। वहीं अब सलमान खान के शो में सना एक्स क्राइम रिपोर्टर जिग्ना बोरा के साथ एंट्री ले चुकी हैं। दोनों अब घर में अंदर आ चुकी हैं और खूब धमाके मचा रही हैं। हालांकि अब सना रईस खान की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आई हैं क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील आशुतोष जे दुबे ने सना के शो में हिस्सा लेने पर आपत्ति जताई है और इसे बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन बताया है। साथ ही वकील ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। वकील ने अपने एक्स अकाउंट पर शिकायत पत्र को शेयर करते हुए लिखा है, मैंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को औपचारिक रूप से सूचित किया है कि वकील सना रईस खान ने रियलिटी शो बिग बॉस 17 में एक कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लिया है जो कि बार काउंसिल के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के अकॉर्डिंग 47 से 52 के अनुसार एडवोकेट को अपनी इनकम किसी और अन्य रोजगार में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा एडवोकेट अधिनियम 1961 की धारा 49(1)(c) वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को प्रतिबंधित करती है। वेल, जहां सना खान को बिग बॉस 17 के घर में देखा गया था तो फैंस को लगा था कि ये इस बार दमदार कंटेस्टेंट बनकर उभरेंगी, लेकिन यहां पर सना रईस खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वेल, आपका क्या कहना है इन चीजों को लेकर कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।